हाय गाइज एंड वेलकम टू मोटरहेड कार रिव्यूज और ये है 2022 टाटा नेक्सॉन। अभी आप जो ये देख रहे हो ये नेक्सॉन का एक्सेड प्लस डुअल टोन पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है। टाटा नेक्सॉन में आपको टोटल 8 वेरिएंट्स ऑफर करता है। एक्सेड प्लस वेरिएंट के ऊपर आपको टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक्सेड प्लस HS, एक्सेड प्लस O, एक्सेड प्लस प्रीमियम जो कि टाटा नेक्सॉन का टॉप वेरिएंट है। एक्सेड प्लस वेरिएंट आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ मिल जाएगा। एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करें तो टाटा आपको ऑफर करता है दो ऑप्शंस, एक 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6-स्पीड AMT। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ टाटा नेक्सॉन एक्सेड प्लस वेरिएंट की सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर डेली अपडेट्स। सब्सक्राइब करिए मोटरहेड कार रिव्यूज चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आप देख सको लेटेस्ट एंड एक्सक्लूसिव कार रिव्यूज। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। तो शुरू करते हैं नेक्सॉन की फ्रंट प्रोफाइल से। सेंटर में आपको मिल जाता है टाटा का लोगो एंड उसी के पीछे फ्रंट ग्रिल विच इज फिनिश्ड इन पियानो ब्लैक। एंड आपको टाटा की सिग्नेचर ह्यूमैनिटी लाइन मिल जाती है जस्ट बिलो द फ्रंट ग्रिल विच इज फिनिश्ड इन क्रोम। और ये जो आप देख रहे हो नेक्सॉन की ब्रांडिंग ऑन द बॉनेट, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। अगर नेक्सॉन की हेडलाइट्स की बात करें तो नेक्सॉन में आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप। जो आपकी लो बीम है वो इस प्रोजेक्टर के द्वारा ही आती है, ये येल्लो हैलोजन लाइट्स है। आपकी हाई बीम भी येल्लो हैलोजन लाइट है। एंड जो इसकी DRL है इट डेवलप्स एज योर टर्न इंडिकेटर। और इस साइड आप देख सकते हो इस गाड़ी की LED DRL एंड हेडलाइट हाउसिंग के नीचे ही आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी के फॉग लाइट्स। इन फॉग लाइट्स में आपको कॉर्नरिंग लाइट्स का भी फंक्शन मिल जाता है और ये येल्लो हैलोजन फॉग लाइट्स है। फ्रंट लोगो के नीचे ही आपको मिल जाती है इस गाड़ी की फ्रंट नंबर प्लेट हाउसिंग एंड फ्रंट स्किड प्लेट विच इज फिनिश्ड इन सिल्वर कलर। एंड आप देख सकते हो आपको ये बायरो डिजाइन एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो ये थी नेक्सॉन की फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो कुछ ऐसी दिखती है टाटा नेक्सॉन फ्रॉम द साइड। ये एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है, फिर भी इसका जो रोड प्रेजेंस है वो काफी बेहतरीन है। टायर्स की बात करें तो आपको एक्सेड प्लस वेरिएंट में मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स। आपको आगे डिस्क ब्रेक मिल जाती है एंड पीछे ड्रम ब्रेक। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 250/60/R16 इज द टायर प्रोफाइल। टायर्स के ऊपर ही आपको बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है। आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स आर फिनिश्ड इन कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक कलर एंड उसी पर आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और इन आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स में जैसे ही आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हो ऑटो फोल्ड एंड रिक्रैक का फंक्शन मिल जाता है विच इज़ कॉल्ड एज द वेलकम फंक्शन। रिक्वेस्ट सेंसर भी प्रेस करते हो तो ये आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड एंड अनफोल्ड हो जाते हैं। एंड ये गाड़ी डुअल टोन है इसलिए आप देख सकते हो जो रूफ है वो कॉन्ट्रास्टिंग सिल्वर कलर में फिनिश किया गया है। रूफ रेल्स भी आपको दिए गए हैं। एक्सेड प्लस HS वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा, इस वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं मिलता है। और ये जो आप डोर वाइजर्स देख रहे हो दिस इज पार्ट ऑफ एक्सेसरी। और अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो दे आर फिनिश्ड इन द बॉडी कलर विथ एन रिक्वेस्ट सेंसर एंड अ की होल। तो नेक्सॉन की फॉब की बात करें तो आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है एंड कुछ इस तरीके का की फॉब, लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प्स एंड बूट रिलीज एंड पीछे टाटा का लोगो। और अभी चलते हैं टाटा नेक्सॉन की रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो कुछ ऐसी दिखती है टाटा नेक्सॉन फ्रॉम द रेयर। सेंटर में आपको दिया गया है टाटा का लोगो एंड उसी के नीचे रेयर कैमरा। और नेक्सॉन की ब्रांडिंग वेरिएंट की ब्रांडिंग यहाँ पे हटा दी गई है और नेक्सॉन के ब्रांडिंग के नीचे ही आपको मिल जाता है एक रिक्वेस्ट सेंसर टू ओपन द बूट। एंड इसका जो बूट लैच है वो काफ़ी नीचे प्लेस किया गया है। ऊपर आपको मिल जाता है इस गाड़ी का रेयर वाइपर विथ वॉशर फ्लूइड, अ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रेयर स्पॉइलर जो कि रूफ के कलर में ही फिनिश किया गया है। एंड ऊपर आपको मिल जाएगा एक शार्क फिन एंटीना। एंड नेक्सॉन का जो अपर बूट पार्ट है वो एक कॉन्ट्रास्टिंग सिल्वर कलर में फिनिश किया गया है जस्ट लाइक द रूफ। और अगर टेल लाइट्स की बात करें तो आपको ट्रायरो LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं। रिवर्स लाइट एंड इंडिकेटर्स की जो लाइट है वो हैलोजन में ही दी गई है। और अगर नेक्सॉन के लोअर बम्पर हाफ की बात करें तो आपको एक डुअल टोन बम्पर मिल जाता है, दोनों साइड रिफ्लेक्टर्स एंड नीचे रेयर नंबर प्लेट की हाउसिंग विथ LED इल्यूमिनेशन फॉर द नंबर प्लेट्स, टू पार्किंग सेंसर्स एंड ट्रायर ओ डिजाइन एलिमेंट। और आपको एक डमी हाउसिंग दी गई है फॉर द रेयर फॉग लाइट्स। और ये इस गाड़ी का एग्जॉस्ट। और अभी चलते हैं टाटा नेक्सॉन के बूट में। तो नेक्सॉन में आपको मिल जाती है 350 लीटर्स की बूट स्पेस एंड एक्सेड प्लस वेरिएंट में आपको रेयर पार्सल ट्रे भी मिल जाता है विच इज डिटैचेबल। लाइट्स भी दिए गए इन द बूट एंड 4 हुक्स मिल जाते हैं। लगेज कैपेसिटी इज अराउंड 3 kg एंड ये इस गाड़ी का पंचर रिपेयर किट। और अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको मिल जाता है एक स्टील व्हील और इसका प्रोफाइल है 195/65/R16। नेक्सॉन की जो रेयर सीट्स है
इसमें आपको 60-40 स्प्लिट का फंक्शन दिया गया है, तो आप इन्हें फ्लैट फोल्ड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये नॉब्स दिए हैं, यू हैव टू पुल इट, जो कि दोनों साइड है, एंड आप इन रेयर सीट्स को फ्लैट फोल्ड कर सकते हो। दिस इज 60 एंड दिस इज 40, ये पूरी फ्लैट हो जाती है। एंड नेक्सॉन में आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एक 12V पोर्ट दिया गया है, एंड आप इस 12V पोर्ट को यूज़ कर सकते हो टू कनेक्ट योर टायर इन्फ्लेटर्स, और ऊपर आपको एक ग्रैब हैंडल दिया है टू क्लोज द बूट। एंड टाटा नेक्सॉन में आपको मिल जाता है 44 लीटर्स का फ्यूल टैंक। और अभी चलते हैं इस गाड़ी के रेयर सीट में, तो आपको डुअल टोन इंटीरियर्स मिल जाते हैं, ब्लैक एंड बेज, क्रोम फिनिश डोर हैंडल, लॉक अनलॉक का स्विच, रेयर ट्विटर, रेयर स्पीकर, एंड जो ग्रैब हैंडल है उसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं, रेयर पावर विंडो कंट्रोल्स, एंड जो आर्मरेस्ट की जगह है वहाँ पर हार्ड प्लास्टिक से मिल जाते हैं, देर इज नो यूज ऑफ सॉफ्ट टच मटेरियल। डोर पॉकेट्स अ स्मॉल, अगर आपको बॉटल रखनी है आपको उसे टेढ़ा करके रखना पड़ेगा। और अभी चलते हैं नेक्सॉन की रेयर सीट में। सो गाइज, अब मैं आ चुका हूँ टाटा नेक्सॉन की रेयर सीट में। ये जो फ्रंट ड्राइवर सीट है, आई हैव पुश्ड इट ऑल द वे बिहाइंड, एंड आप देख सकते हो कि आपको इतना नी रूम मिलेगा। एंड जो को ड्राइवर सीट है, ये मैंने ऐसी पोजिशन पर सेट की है कि कोई एवरेज हाइट का बंदा आगे बैठ सके। मेरी हाइट 6 फीट होने के बावजूद भी मुझे इतना नी रूम मिल जाता है, विच इज़ मोर देन इनफ। हेडरूम इज डिसेंट, बट ओवरऑल सीटिंग कम्फर्ट की बात करें एट द रेयर तो काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी के जो रेयर सीट्स है दे आर वेरी कम्फर्टेबल। और अगर रेयर सीट्स की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर टाटा नेक्सॉन एक्सेड प्लस है, इसमें आफ्टर मार्केट सीट कवर्स इंस्टॉल किए गए हैं। आपको फैब्रिक अपोल्स्ट्री मिल जाती है, ऐसे सीट कवर्स आपको नहीं मिलते हैं। एक्सेड प्लस वेरियंट में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एंड सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट दिया गया है विथ 2 कप होल्डर्स। सेंटर में आपको कोई लाइट नहीं मिल जाती है, ऑल यू हैव इज द फ्रंट लाइट, ग्रैब हैंडल्स विथ अ कोटुक, और ड्राइवर सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे आपको ग्लॉसी पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं विथ रेयर एसीवेंट्स विथ क्रोम इंसर्ट्स एंड ब्लोअर एडजस्ट। और कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का डैश फ्रॉम द रेयर। और अभी चलते हैं टाटा नेक्सॉन की फ्रंट ड्राइवर सीट में। तो ये है टाटा नेक्सॉन का ड्राइवर साइड डोर, डुअल टोन ट्रीटमेंट जस्ट लाइक द रेयर, क्रोम फिनिश डोर हैंडल, लॉक अनलॉक का स्विच, ग्रैब हैंडल जो है वो ग्लॉसी ब्लैक में फिनिश किया गया है, फ्रंट डोर ट्विटर एंड फ्रंट डोर स्पीकर, पावर विंडो के कंट्रोल, रेयर पावर विंडो लॉक करने के लिए बटन, और नीचे आपको एक अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है एंड सम स्टोरेज स्पेस टू कीप योर वाटर बॉटल। और ये जो आप देख रहे हो स्कफ प्लेट्स, दिस इज एन पार्ट ऑफ एक्सेसरी विच आर प्रेजेंट ऑन ऑल 4 डोर्स। तो अगर नेक्सॉन के ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट की बात करें तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एंड एक्सेड प्लस वेरियंट से आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाते हैं एज वेल एज रिक्लाइन का फंक्शन। और ड्राइवर के राइट साइड में आपको एक एसी वेंट मिल जाता है विद क्रोम फिनिश, ट्रायरो डिजाइन एंड सम स्टोरेज स्पेस। और ये गाड़ी मैनुअल है इसलिए क्लच ब्रेक एंड एक्सेलरेटर। और अभी चलते हैं टाटा नेक्सॉन की फ्रंट ड्राइवर सीट में। सो गाइज, अब मैं आ चुका हूँ टाटा नेक्सॉन के फ्रंट ड्राइवर सीट में, एंड आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाता है इन द एक्सेड प्लस वेरियंट। तो अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो एक 3-स्पोक फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है। इसमें जो ये लेदर रैपिंग की गई है ये एक पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। एक्सेड प्लस वेरिएंट में आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता है, जिसमें आपको एक ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स एज वेल एज ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। और राइट साइड में आपको कोई बटन्स नहीं मिलते क्योंकि इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं आता है, हायर वेरियंट्स में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो अगर इस स्टेयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको बस टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाती है। स्टेयरिंग व्हील के पीछे ही आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी के रेयर एंड फ्रंट वाइपर कंट्रोल्स, और राइट साइड में हेडलाइट कंट्रोल्स। अगर आप एक्सेड प्लस HS लेते हो तो उसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का फंक्शन मिल जाता है, इस वेरिएंट में वो फीचर मिसिंग है। स्पीडोमीटर की बात करें तो आपको एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है विथ एन फुल डिजिटल स्क्रीन जो कि आपको डिजिटल स्पीड बताती है, ट्रिप ए ट्रिप बी, एवरेज डिस्टेंस टू MT, टोटल ओडो रनिंग, एंड सेंटर में आपको ये इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी बताता है एंड फ्यू टेल टेल लाइट्स। और राइट साइड में आपको मिल जाता है इस गाड़ी का फ्यूल गेज एंड ऊपर टेम्परेचर गेज। लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर दिया गया है जो कि डिजिटल है एंड इंस्टेंटेनियस है। तो कुछ ऐसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द टाटा नेक्सॉन। तो अगर टाटा नेक्सॉन की डैशबोर्ड क्वालिटी की बात करें तो ऊपर एज वेल एज नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक से मिल जाते हैं, एंड नेक्सॉन में आपको एक डुअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है, ऊपर ब्लैक एंड नीचे बेज, एंड सेंटर में आपको ये ग्लॉसी इंसर्ट्स मिल जाते हैं विथ ट्रायरो डिजाइन एलिमेंट जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इन रियल लाइफ। को ड्राइवर साइड आपको कुछ ऐसा एसी वेंट मिलेगा विथ क्रोम इंसर्ट्स, और सेंटर में आपको दी गई है इस गाड़ी की 7-इंच की टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ फ्रॉम हार्मन, जो पहले वाला नेक्सॉन का एक्सेड प्लस वेरियंट होता था
उसमें टाटा यहाँ पर आपको फिजिकल बटन्स देते थे, बट नाउ दे हैव रिमूव्ड इट एंड ऑल यू हैव इज दिस टच स्क्रीन। आपको इसे टच रिस्पॉन्स के द्वारा ही कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है कि इज डिस्ट्रैक्टिंग वाइल ड्राइविंग, क्योंकि अगर पुराने वाले फिजिकल बटन्स होते तो काफी अच्छा होता, आप जो भी बटन प्रेस करते वो उस कमांड पे लेके जाता था। एंड अभी आपको इस स्क्रीन में आपकी ड्राइविंग साइकिल के हिसाब से डाटा डिस्प्ले हो जाता है, लाइक ये आपको एक ओवरऑल स्कोर देता है 5 out of 5, 4 out of 5, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, जो कि हेल्पफुल है फॉर न्यू ड्राइवर्स। एंड आप इस स्क्रीन से ही एसी को कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से आप इस स्क्रीन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। एंड कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाता है इस स्क्रीन में। एंड अगर इस स्क्रीन के फीचर्स की बात करें तो आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, रेडियो, USB, Word 3 एंड वॉइस कमांड्स। तो ये थे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के फीचर्स। सो गाइस, टाटा नेक्सॉन में आपको मिल जाते हैं टोटल 4 स्पीकर्स विद 4 ट्वीटर्स। एंड अभी मैं करने वाला हूँ एक क्विक साउंड चेक ऑफ द ऑडियो सिस्टम। इन्फोटेनमेंट सिस्टम के नीचे ही आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी के सेंटर एसी वेंट्स विद सम क्रोम इंसर्ट्स, सेंटर में हैजर्ड लाइट का स्विच, और जहां पर पहले फिजिकल बटन आते थे वहां पर अभी आपको ये नेक्सॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहां पर है टाटा नेक्सॉन का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और नेक्सॉन के ब्रांडिंग के नीचे ही आपको मिल जाएगा इस गाड़ी का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी। यहां से आप फैन के स्पीड को अगर एडजस्ट कर सकते हो, फ्रंट एंड रेयर डिफॉगर के कंट्रोल्स, यहां से टेम्परेचर को एडजस्ट, और नीचे आपको कुछ डबी बटन मिल जाते हैं विद फॉग लाइट कंट्रोल्स, यहाँ से आप इस गाड़ी के फ्रंट फॉग लाइट्स को ऑन कर सकते हो, और सेंटर लॉकिंग का जो बटन है वो यहाँ पर आपको सेंटर में मिल जाता है। एंड यहाँ से आप इस गाड़ी के बूट को ओपन कर सकते हो, और नीचे आपको एक 12V पोर्ट दिया गया है, USB चार्जिंग सॉकेट। एंड टाटा नेक्सॉन में आपको को ड्राइवर साइड एक हुक मिल जाता है, एंड आगे आपको मिल जाएगा इस गाड़ी का 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स। गियरबॉक्स के अराउंड भी आपको क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं। अगर आपको इस गाड़ी को रिवर्स में एंगेज करना है, आपको एक लीवर दिया गया है, यू हैव टू पुल इट अप और फिर आपका रिवर्स गियर एंगेज हो जाता है। और अगर इस गाड़ी के रिवर्स कैमरा की बात करें, डिस्प्ले इज डिसेंट, एंड नेक्सॉन एक्जेड प्लस वेरिएंट में आपको एडाप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाती है। आगे आपको मिल जाएगा इस गाड़ी का ड्राइव सिलेक्टर। आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं टोटल 3 ड्राइविंग मोड्स, सिटी, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स। जैसे ही आप इस डायल को टर्न करते हो, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, आपको एक वॉइस कमांड आ जाती है, एंड वो आपको बताएगी कि आप किस मोड में गाड़ी चला रहे हो। Economy drive mode activated. City drive mode activated. Instrument cluster में भी ये डिस्प्ले आ जाता है कि आप किस मोड में गाड़ी चला रहे हो। अभी मैंने सिटी मोड एंगेज किया है, इसलिए आप देख सकते हो ये मुझे सिटी मोड बता रहा है। और इस ड्राइव सिलेक्टर के आगे ही आपको एक हिडन स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, विच रिवील्स योर कप होल्डर्स, एंड ये काफी डीप स्टोरेज स्पेस है। आगे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद लेदर इंसर्ट्स, कॉन्ट्रास्टिंग व्हाइट स्टिचिंग। अगर आप इसे स्लाइड कर देते हो तो आप देख सकते हो कि आपको इतनी ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी है। और अगर इस गाड़ी के ग्लो बॉक्स की बात करें तो ये डैम्प्ड इफेक्ट के साथ खुलता है, एंड इट्स एन इल्यूमिनेटेड एज वेल एज कूल्ड ग्लो बॉक्स। इसमें आपको लैपटॉप टैबलेट होल्डर मिल जाता है एज वेल एज 2 कप होल्डर्स, और ऊपर आपको मिल जाता है इस गाड़ी का मैनुअल, डे एंड नाइट मिरर, सेंटर में लाइट्स दिए गए हैं जो कि LEDs है, विच इज नाइस, एंड अ सनग्लासेस होल्डर, ब्लूटूथ माइक। सनवाइजर्स की बात करें तो को ड्राइवर साइड आपको मिरर मिल जाएगा, ड्राइवर साइड आपको मिरर नहीं मिलता है, यू जस्ट गेट दिस टोल टिकट होल्डर। आउटसाइड ड्राइवर मिरर्स को आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, एंड ऑटो फोल्ड भी कर सकते हो। सो गाइस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है टाटा नेक्सॉन एक्जेड प्लस वेरियंट के अंदर। एंड अगर टाटा नेक्सॉन के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा नेक्सॉन इज वन ऑफ द सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV यू कैन बाय, क्योंकि इस गाड़ी ने स्कोर की है 5 stars इन ग्लोबल NCAP। और अगर इस गाड़ी के बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर साइड एयरबैग्स। एंड जो एडिशनल सेफ्टी फीचर्स है वो आप अभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। और अभी चलते हैं टाटा नेक्सॉन के इंजन बे की तरफ। सो गाइज, ये टाटा नेक्सॉन का इंजन बे। आपको मिल जाता है 1.2 liter टर्बोचार्ज 3-cylinder पेट्रोल इंजन, विच इज कॉल्ड एज द रेवट्रॉन। एन ए गाड़ी पेट्रोल है, उसके बावजूद भी आपको इंसुलेशन दिया गया है,
फ्रॉम टाटा विच इज रियली नाइस टच। सो गाइज ये था मेरा रिव्यू ऑफ द 2022 टाटा नेक्सॉन एक्सेड प्लस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।